दोस्तों हर किसी को आज इंतजार है कि उरण का जो रेलवे स्टेशन है कब स्टार्ट होगा। तो आज मैं आया हूँ उरण रेलवे स्टेशन के पास, जो कि इस वीडियो में उरण के रेलवे स्टेशन को दिखाने वाला हूँ, मतलब काम हो रहे हैं उसको। और मैं जहाँ पे हूँ ये एंट्रेंस है उरण रेलवे स्टेशन का। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूँ धर्मपाल और पिंकुश ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चलिए हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कुछ ऐसी वीडियो और जानकारी देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और कुछ बातें बताते हैं यहाँ के और जानकारी देंगे। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये बहुत जल्दी शुरुआत होने वाला है, तो चलिए दिखाते हैं अंदर का सीन जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हैं ये आपको अभी फिलहाल तो यहाँ पे काम चालू है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ चालू है जो कि इस उरण रेलवे स्टेशन का जो कार्य है उसको पूरा करने को लगे हुए हैं। और हम इस चीज को बहुत जल्दी देख पाएंगे, ये जैसे कि टिकट काउंटर वगैरह ये सामने देख सकते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये विकलांगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। हम लोग जैसे जो नॉर्मल है वो सीढ़ी पे आ जा सकते हैं, पर विकलांगों के लिए ये सुविधा जब ये यहाँ पे दिया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये टिकट काउंटर जो है। और चलिए आगे बढ़ते हुए हम और भी बातें बताएंगे आपको। थोड़ा धूप का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है सकल काला आ जाएगा, इसका चिंता ना करें कि हम लोग इस एरिया को दिखा रहे हैं। और दोस्तों ये जो एरिया है ये सारे मेरे ख्याल से पूरा पार्किंग एरिया है, जो यहाँ से एक पूरा गोल राउंड करके जो देख रहे हैं एरिया, ये पार्किंग लॉट है। तो यहाँ पे सारे एक बार तो जब पूरे तैयार हो जाएंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा एक्चुअली। तो उरण रेलवे स्टेशन का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे, और अंदर जाएंगे और उसके अंदर का जो भाग है उसको भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे इंटर करने वाले हैं, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा काला आ जाए, थोड़ा धुंधला आ जाए, तो चलिए हम अंदर जाएंगे और अंदर के कुछ भाग दिखाएंगे आपको। लगभग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत काम हो चुका है और हर किसी को ये इंतजार है कि यहाँ पे ये जो उरण लाइन है ये कब तक चालू होगा। तो दोस्तों हम अभी अंदर आए और ये देख सकते हैं जो कि ये जो लाइन है ये उरण से आते हुए, हालांकि ये लाइन तो आखिरी है, यही उरण स्टेशन है। तो ये लाइन जो देख रहे हैं आप,
और इस रेलवे स्टेशन का जो बनावट है बहुत बेहतरीन है, और इसमें देख सकते हैं ये दो ही लाइन है, एक आने वाला और एक जाने वाला। दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर ये मैंने फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे चैनल दिखाए होंगे आपको, लेकिन पिंकुश ब्लॉग एक बार फिर से आपको दिखाता है। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे चीज़ें आपको इसमें अलग देखने को मिला होगा, अलग कुछ जानने को मिला होगा। तो और भी आपको हम यो लास्ट वाले एरिया में जाके दिखाएंगे उनको क्या क्या सुविधा दिया गया है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे लाइट वगैरह जो है, टाइम टेबल जो रेलवे लाइन का, वो चालू हो चुका है। और दोस्तों हम इस वीडियो में और भी कुछ सुविधाएं के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्लोप वाला रैंप दिया गया है, जो विकलांगों के लिए खास तरीके से बनाया गया है। और दूसरे तरफ जो है सीढ़ी है, जो हम लोग के जैसे नॉर्मल लोग आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सुविधाएं हमें देख के जो बहुत ये जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि खास ये विकलांगों के लिए दिया गया है। आगे की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।